नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे हेल्दी फूड्स के बारे में, ऐसे पांच हेल्दी फूड्स के बारे में, या यूं कहें एक ऐसे पांच ऐसे फूड जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिनसे हम अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि लिवर हमारी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हमारे पेट में जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, उसको डाइजेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमारे लिवर की होती है, क्योंकि लिवर से आने वाला वाइल जूस जो होता है, वो वाइल जूस कई एंजाइम्स को लेकर के हमारी इंटेस्टाइन में आता है और हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। लिवर ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें आपके ब्लड में आगे जानी चाहिए या कौन सी चीज़ों को उसे स्टोर करना पड़ेगा। एलोपैथी में एक प्रिंसिपल होता है LD50 प्रिंसिपल, जिसको लीथल डोज प्रिंसिपल बोलते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन्स का सेवन कर रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यदि आप बहुत ज्यादा ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो ये एलोपैथिक मेडिसिन्स आपके लिवर को खराब कर सकती हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें यदि आप लेते हैं, तो वो लिवर के फंक्शनिंग को बहुत वीक करती है, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो पित्तज प्रकृति यानी हॉट नेचर की चीजें होती हैं, वो लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं। यदि आप एल्कोहल इंटेक करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी लिवर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। बहुत ज्यादा ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा रिफाइंड या डालडा, इस प्रकार की चीज़ें यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब जो पूरी पराठे हैं ऐसी चीज़ें बहुत खाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ना के बराबर करते हैं, उनके भी लिवर को बहुत ज़्यादा खतरा होता है लिवर को फैटी लिवर में कन्वर्ट होने में। दोस्तों, फैटी लिवर एक बहुत बड़ी डिजीज हिंदुस्तान के अंदर बनती जा रही है। रिसर्च में पाया जाता है कि हर 10 व्यक्तियों में से 3 से 4 व्यक्तियों को फैटी लिवर की संभावना देखने को मिलती है। तो चलिए, ये तो लिवर के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं उन पांच चीजों को जिनसे आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। और लास्ट वाली बहुत ही बेनिफिशियल टिप्स आपको देने वाला हूं, तो लास्ट तक रुके रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप्स है वो है लेमन वाटर। जी हाँ, आपको सुबह एक गिलास गुनगुना पानी करना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके उसको सुबह खाली पेट पीना है। लेमन वाटर के अंदर सिट्रस यानी विटामिन सी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आपके लिवर को हील करने लगता है। दूसरा जो हमारा हेल्दी फूड है वो है पाइनएप्पल। आप पाइनएप्पल का बहुत अच्छे तरीके से यदि इस सीजन में सेवन करते हैं, तो आपके लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपका लिवर बहुत ज्यादा अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लगेगा। साथ में वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है यानी फैटी लिवर है, उसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड पर मैं यहाँ रखूंगा ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी के अंदर कई ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपके लिवर को हील करने की कैपेसिटी रखते हैं। कई ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं, कैफीन होता है, जो आपके लिवर के लिए बहुत Amazing. ज्यादा फायदेमंद है। तो सुबह और शाम आप एक कप ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पतंजलि का दिव्य पेय भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम में। नंबर चार पर मैं यहाँ लेना चाहूंगा सिट्रस फ्रूट। जी हाँ, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे आप आंवला ले लीजिए, चाहे आप संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, पाइनएप्पल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, चाहे आप कितने भी सिट्रस फ्रूट ले लीजिए, वो सभी सिट्रस फ्रूट आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें मैं सर्वश्रेष्ठ लेवल पर रखूंगा आंवला को। दोस्तों, आंवला को हमारे आयुर्वेद में एक रसायन के रूप में माना जाता है। रसायन मतलब पूरी बॉडी को फिर से नया करने वाला, रेजुबिनेट करने वाला। यदि आप आंवला या तो चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या आंवले के मुरब्बे के रूप में आप इन गर्मियों के सीजन में उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आंवले के पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ताजा आंवला आपको मिल जाए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आंवले के जूसेस को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप एक आंवला सुबह यदि आप खाते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। और इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सुबह ही लेना है, आप दिन में किसी भी टाइम आंवला ले सकते हैं, जिससे कि ये आपके फैटी लिवर को तो ठीक करेगा ही,
साथ में बॉडी की कई इलनेस, कई बीमारियों को भी दूर करने का काम करेगा। सबसे लास्ट में जो पांचवें नंबर में आपके लिए लेकर के आया हूं, ये एक हेल्दी फूड नहीं है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लिवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इस पर कई सारे रिसर्च पेपर हो चुके हैं। जी हाँ, इसका नाम है भू आमल की। जी हाँ, जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया आंवला, तो ऐसे ही होता है भू आमल की। इसकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आंवले जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं और इसका मार्केट में जूस भी मिलता है, मार्केट के अंदर कैप्सूल भी मिलते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि कैप्सूल के फॉर्म में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को आप ले सकते हैं, या किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर के आप प्रिस्क्राइब करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जूस लेना चाहते हैं तो 15 ml आपको बराबर पानी मिला करके आपको इसको सुबह खाली पेट प्रयोग करना है। और एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, आप एप्पल साइडर विनेगर भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर को कैसे प्रयोग करना है इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता हूं। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर मिला देना है। दोस्तों, बिना पानी के इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये नेचर में एसिडिक नेचर का होता है, तो आपकी आंतों के लिए, आपकी आंतों की म्यूकोसा के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी और आप अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए इनमें से किसी ना किसी चीज का प्रयोग जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताएंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।